हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ए चार्मिंग वेलकम इन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी गुडियानी रेवाड़ी यूट्यूब चैनल। इन टुडेज इंग्लिश लेक्चर आई विल टीच यू 10th क्लास लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक रिटन बाय एनी फ्रैंक। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस दिस लेसन इंट्रोडक्शन। पिछले लेक्चर में हमने इस लेसन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था। आज हम इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ऑल स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। और फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज एनी फ्रैंक, कि एनी फ्रैंक है वो कौन थी। हु वाज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक वाज ए जेविस गर्ल, एक यहूदी लड़की थी। हु लिव्ड विद हिज हर ग्रैंड मदर एंड एल्डर सिस्टर। वेयर डिड एनी फ्रैंक लिव। एनी फ्रैंक लिव्ड इन आचेन इन जर्मनी। आचेन इन जर्मनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज मार्गरेट फ्रैंक। मार्गरेट फ्रैंक कौन थी। हर सिस्टर। मार्गरेट फ्रैंक वॉज एनीज एल्डर सिस्टर, कि मार्गरेट फ्रैंक है एनी की एल्डर सिस्टर थी। हु वॉज मिसिज कुपेरस। मिसिज कुपेरस है वो कौन थी। मिसिज कुपेरस वॉज हर टीचर इन मोंटेसरी स्कूल। हर टीचर इन मोंटेसरी स्कूल इन आचेन। आचेन के अंदर जो एक मोंटेसरी स्कूल था उसके अंदर उसकी जो टीचर थी उसका नाम मिसिज कुपेरस था। हु वॉज एडिथ ओलेंडर फ्रैंक। एलिथ ओलेंडर फ्रैंक है वो कौन थी। एडिथ ओलेंडर फ्रैंक वॉज हर मदर, एनीज मदर। एनीज मदर नेम वॉज एडिथ ओलेंडर फ्रैंक। हु वॉज मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग है वो कौन थे। मिस्टर कीजिंग वॉज हर मैथ टीचर इन मोंटेसरी स्कूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मिस्टर कीजिंग टेक द जोक। मिस्टर कीजिंग ने जोक को किस प्रकार लिया था। मिस्टर कीजिंग टेक द जोक इन राइट वे। इन राइट वे सही तरीके से लिया था, कि उस मिस्टर कीजिंग ने उसको ऐसे राइट करने के लिए लिखा था, और वो उसके ऊपर एक जोक बोलती है ना, वो उससे को राइट वे के अंदर लेके जाता है। शी वॉज वेरी टाकेटिव इन हर क्लास, सो मिस्टर कीजिंग टेक गिव हिम एक्स्ट्रा वर्क टू राइट ऐसे। एंड शी वॉज अम्यूज्ड एंड मिस्टर कीजिंग गिव हिम परमिशन टू टॉक इन हर क्लास। हाउ डू यू नाउ दैट एनी फ्रैंक वॉज क्लोज टू हर ग्रैंड मदर। एनी के ग्रैंड मदर से वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी। आप किस प्रकार, आपको कैसे पता चलता है कि एनी के ग्रैंड मदर के वो इतनी ज़्यादा क्लोज थी। एनी वॉज क्लोज टू हर ग्रैंड मदर। वी नाउ दैट बिकॉज हर फ्रेंड्स वेंट टू फॉरेन कंट्री इन होलैंड। सी रिमेन विद हर ग्रैंड मदर एंड लिव्ड इन आचेन विद हर ग्रैंड मदर, कि उसके पेरेंट्स हैं एनी फ्रैंक के, वो होलैंड चले गए थे और फिर भी वो अपनी दादी माँ के साथ आचेन के अंदर रह रही थी। इसलिए वो सी feels lonely and
टू अवॉइड फ्रॉम हिज लोनलीनेस सी रोट डायरी डेली, और वो अकेले महसूस करती थी इसलिए वो डेली डायरी लिखती थी। और इससे हमें पता चलता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ही क्लोज थी। व्हाई वॉज एनी इन टीयर व्हेन सी लेफ्ट द मोंटेसरी स्कूल, उसकी आंखों के अंदर पानी क्यों आ गए थे जब उसने मोंटेसरी स्कूल को छोड़ा। सी वॉज इन टीयर्स व्हेन सी लेफ्ट द स्कूल बिकॉज सी लव्ड टू मच टू हर टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो हर स्कूल, की एनी है वो अपने स्कूल से, अपने टीचर्स से और अपने जो भी उसके साथी थे, क्लास फेलो होते, उनसे प्यार करती थी। नाउ द टाइम टू लेफ्ट द स्कूल, अब टाइम आ गया था स्कूल को छोड़ने का। सो सी मिस्ड हर, वो उनको मिस कर रही थी इसलिए सो सी वॉज इन टीयर्स व्हेन सी लेफ्ट दिस मोंटेसरी स्कूल, इसलिए उसकी आंखों के अंदर पानी था जब वो स्कूल को छोड़ के जा रही थी। Why did any think that she was alone? वो क्यों सोचती थी कि वो अकेली है? Any ये सोचती थी कि एनी अपनी दादी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ वहाँ आचेन के अंदर रह रही थी। Nobody play with her. No one was same age boy या एनी चिल्ड्रन इन हर स्ट्रीट, उसकी गली में कोई भी उसकी उम्र का कोई भी बच्चा नहीं था। और नो वन वॉज एज सी टॉक विद हर विद हिम एंड टेल हिम हर सीक्रेट्स, और वो सोचती थी कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वो अपना सीक्रेट बता सके। No one is faithful to him, to her that she tells him या her with her secrets, कि अपने secrets को वो साझा कर सके ऐसा कोई नहीं था। So she thought that she was alone. Why was Mr. Kissing annoyed with Annie? Annie से एनी की एक ही हैबिट थी, एनी वॉज ए बैड हैबिट टू टॉक इन द क्लास। सो मिस्टर किजिंग वॉज एनर्ड विद एनी, बट इन द एंड शी वॉज वेरी प्लीज्ड विद हर एसे राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्स, जब उसने एसे को वर्स की कविता के रूप में लिखा था उससे वो खुश था। एंड सी gave her permission to talk in the class, और उसने उसको permission दे दिया था। Why was the entire class quaking in boots? All the class was in waiting for results and it was the last day and all students waiting for their रिजल्ट्स, वो सभी अपने रिजल्ट्स की वेट में थे। ऑल टीचर्स वर बिजी इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट्स, सभी टीचर्स हैं वो बिजी थे रिजल्ट्स तैयार करने में। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर यही था कि एनी फ्रैंक है वो कौन थी, एक जेविस गर्ल थी, वो अपनी दादी माँ के साथ और अपनी बड़ी बहन मार्गरेट फ्रैंक के साथ आचेन जर्मनी के अंदर एक शहर है वहाँ रह रही थी। उसकी शिक्षा वहीं एक मोंटेसरी स्कूल में होती है, वहाँ उसके टीचर थे मिस्टर किजिंग और मिसेज कुपेरस। मिस्टर किजिंग हैं वो उसके मैथ टीचर थे, और उसकी बैड हैबिट थी क्लास के अंदर बोलने की, और उस क्लास के अंदर बोलने की आदत के कारण उसको पुनिशमेंट देते हैं कि आपने कल है पुनिशमेंट के रूप में घर से ऐसे लिख के लेके आना है। और वो ऐसे को एक वर्स फॉर्म के अंदर एक कविता के रूप में लिख के लेके आती है, और मिस्टर किजिंग है उससे खुश होके उसको परमिशन दे देते हैं कि आप क्लासरूम में बोल सकती हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू लर्न सो मच फ्रॉम दिस लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक
हमारे सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी रेवाड़ी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को दबाएं और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।